जितेंद्र आव्हाड के साथ में चलते थे इतने सालों से, आज उनका थोड़ा नया डगमग है। 2007 में हमारे साथ सैयद अली भाई साहब भी नगर सेवक थे, फिर वो क्यों हारे 2012 में? बबलू की भाभी क्यों हारी 2012 में? मैं तो सैयद अली भाई साहब आपसे भी इल्तिजा करती हूँ कि इसका जवाब आप भी तलाश करो। देखो हमको तो जिता दिए, फिर आपको क्यों हराए? मेरे घर का रास्ता किसी की निधि में से नहीं बना है। वहाँ पे डायलिसिस सेंटर था, वो भी गायब हो गया। और बेचारा शानू आंदोलन करते रहता है लेकिन काम होते ही नहीं, क्यों ऐसा? कल तक जो नूरानी पे खड़े रह के इनको इसराइली बोलते थे, दलाल बोलते थे और ना जाने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे। जिस कब्रिस्तान की बात हो रही है, यही बबलू शेरना और बबलू सैयद जो है आपस में लड़ रहे थे, जो वीडियो फैली थी। हमारे कौम का जो कम्युनिटी हॉल नहीं बना उस पर अगर इब्राहिम ने बोल भी दिए तो उस पर इतना बड़ा इशू क्रिएट करने का ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी था। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपने एक खबर देखी होगी बबलू सैयद की, जिसमें बबलू सैयद ने बहुत सारे नगर सेवकों पर आरोप लगाए कि जो नगर सेवक है वो चुनाव जो जीत कर आते हैं वो विधायक जितेंद्र आव्हाड के बल पर यहाँ से चुनाव जीतते हैं। इसके अलावा जो अशीन राउत हैं उनके जो हस्बैंड हैं इब्राहिम राउत, उनका भी नाम लेकर उन्होंने जिक्र किया है। हमारे साथ अशीन राउत मौजूद हैं जो एनसीपी पार्टी से ही चुनाव जीत चुकी हैं यहाँ से। क्या बताएंगे आप, जिस तरह से आपने बबलू सैयद का पूरा इंटरव्यू देखा ही है और एक यहाँ पर कोकनी समाज का कार्यक्रम हुआ था उसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हुई। जो आपके हस्बैंड है इब्राहिम राउत, उन्होंने एक वहाँ से एक बयान दिया था कि लाइब्रेरी ये जो है नजीब मुल्ला ही ला सकते हैं और किसी के बाप जो है नहीं ला सकता, इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। जब ये सवाल यहाँ के विधायक से पूछा गया, नाम लिया गया, तो उन्होंने नाम लेने से जो बोले बात बहुत आगे तक जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए इस्लामुद्दीन भाई, एक्शन को रिएक्शन तो रहता ही है। अभी इब्राहिम ने कुछ बात किए, आव्हाड साहब ने उस पर जवाब दिए, ठीक है बड़े नेता है बोल सकते हैं, वो छोटे छोटे लोगों को कहाँ पहचानते। अभी आव्हाड साहब जो है, और मैं नगर सेविका 2007 में बनी थी, साहब जो है 2009 में यहाँ से विधायक बने। जब नजीब मुल्ला भाई मेरे घर पे आए थे, वो हमारे रिश्तेदार भी है, और मुझे देखो पर्सनल किसी के इसमें जाना नहीं है, क्योंकि मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि मैं साहब को 2009 से पहचानने लगी आव्हाड साहब को। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी उनकी बुराई नहीं की या मेरे शौहर ने कहीं बुराई नहीं किया था। अभी वो एक सामाजिक कार्यक्रम था हमारा, आपने देखा होगा कोकनी मिलावा करके एक सामाजिक कार्यक्रम था। उस सामाजिक कार्यक्रम में बहुत से लोग आए थे, उसमें ये चर्चा हुई कि भाई 2018 में आपने बात किए थे फिर आप वो कर नहीं पाए, ये वो। आप एक कोकनी समाज का नेता बोल के नजीब से बात रख दी। अब उसके ऊपर इब्राहिम ने जो बोले उस पर आव्हाड साहब ने जवाब दे दिए, उस पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 26 तारीख को ये प्रोग्राम हुआ, उसके बाद आव्हाड साहब से भी मेरी बातचीत हुई, वो भी मेरे से बातचीत कर रहे हैं, मैं भी उनसे बातचीत कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनकी पार्टी की नगर सेविका हूँ। और पार्टी अलग कहाँ है, पवार साहब भी बोलते हैं कि पार्टी एक है, और जो लोग ये बोल रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ है, ये फलाना है। तो जब रीदा रशीद के साथ लोग जा रहे थे, जब आपने देखा होगा इससे पहले भी हमारे वरिष्ठ कुछ नेता थे जो संजय नगर में उनके कुछ कार्यक्रम में भी थे, मुझे किसी के ऊपर तंज नहीं करना। तो आज अचानक में हम लोग बीजेपी के साथ कहाँ गए? कल भी मैं राष्ट्रवादी में थी, आज भी राष्ट्रवादी में हूँ, इससे पहले समाजवादी की नगर सेविका थी। और मुझे नगर सेविका मेरे शौहर ने बनाया है, मुझे किसी ने नहीं बनाया, नगर सेविका मुझे मेरे शौहर ने बनाया, मेरे गांव के लोगों ने बनाए, मेरे ख़ानदान वालों ने बनाए हैं। और अल्लाह मरहूम अशफाक मौलाना को जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल कराए, उनकी ये ख्वाहिश थी कि भाई इब्राहिम की वाइफ नगर सेविका बने, अपने समाज की एक औरत जो है वो इसमें होनी चाहिए। तो उस वक्त मैं नगर सेविका बनी। और रही बात बबलू जैसे लोगों की, तो मुझे एक सवाल है ना मेरे दिल में कल से, मतलब एकदम मैं बेचैन हूँ इसके जवाब के लिए, कि उन्होंने कहा कि नगर सेवक आव्हाड साहब ने ही बनाए हैं और वो नगर सेवक जो है वोट नहीं डाल सकते। बेशक आव्हाड साहब ने देखो बेशक वोट मिलता है वो आव्हाड साहब के बल पे मिलता है, बेशक आव्हाड साहब ने भी काम किए जिसके बलबूते पे हमको वोट मिले, हम इस चीज़ का इनकार नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी काबिलियत रखते हैं। देखो नगर सेवक की भी अपनी काबिलियत है। आप मुझे इस बात का जवाब दो ना कि 2007 में हमारे साथ सैयद अली भाई साहब भी नगर सेवक थे, फिर वो क्यों हारे 2012 में? बबलू की भाभी क्यों हारी 2012 में?
अभी आप मुझे इस चीज़ का जवाब दो ना कि बबलू क्यों दो बार इलेक्शन हारा, क्यों हारा, वजह क्या है? अगर अगर समझो सही बात है, अगर हमारे कुछ हमने काम नहीं किया या हमारे में काबिलियत नहीं है तो फिर लोग हमको ही वोट क्यों दे रहे, उनको क्यों नहीं दे रहे, वजह क्या है इसकी? तो इसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है। क्या आप दे सकते हो मुझे इसका जवाब कि क्यों भाई साहब हारे, क्या वजह है? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में यह सवाल नहीं आता है कि क्यों भाई साहब हारे? मैं तो सैयद अली भाई साहब आपसे भी इल्तिजा करती हूँ कि इसका जवाब आप भी तलाश करो, देखो हमको तो जिता दिए फिर आपको क्यों हराए? फिर कौन हो सकता है हराने के पीछे? अब ये तो बबलू ही जवाब दे सकता है। बबलू तो भाई तो बोल रहे खुल के कि अवार्ड साहब ने, अवार्ड साहब से ही देखिए कैसा है बेशक। देखो मैंने अवार्ड साहब की कभी बुराई नहीं की, मेरे शोहर ने भी वफा पार्क में एक प्रोग्राम हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा था, अवार्ड साहब के बर्थडे का भी बैनर मेरे बिल्डिंग पे लगा हुआ था, उनको हमने शुभेच्छा भी दिए थे उनके बर्थडे के दिन। ये बात अलग है कि जब उनके कुछ प्रोग्राम हुए उस वक्त मेरी तबीयत ख़राब थी मैं नहीं जा सकी, और ये हमारा एक सामाजिक कार्यक्रम था जिस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद थी तो उस मंच पे पहुंची। ऐसा कहा जा रहा है कि उस सामाजिक कार्यक्रम में नजीम मुल्ला ने बिना नाम लिए तंज कसा, लेकिन उनके भाषण खत्म होने के बाद इब्राहिम राउत जो है ये आए और नाम लेके जो है तंज कसा। ऐसा है ना कि बोले जो सुनिए, ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग आवाज जितेंद्र अवार्ड के साथ में चलते थे इतने सालों से, आज उनका थोड़ा नैया डगमग है तो उनका साथ। नैया कहाँ डगमग है, नैया कहाँ डगमग है, खामखा तुमने एक ऐसा पिक्चर बना दिए हो, तुम लोगों का काम है कि बैठ के अपना दिन रात, उनसे पहले भी जो अभी बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो मुझे भी नहीं बोलनी है, समझे ना, किसी के बारे में बोलकर मैं गुनहगार नहीं बनना चाहती किसी की बुराई करके, लेकिन जब उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया और इतना बड़े हम पे तोहमत लगाई है कि भाई हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं या हमने फलाना पैसे के लिए आए, टकेवारी, मेरे घर का रास्ता किसी की निधि में से नहीं बना है, मैंने जो ओएसएस का रास्ता बनाया अपने घर का पैसा लगा के बनाए, वो स्कूल वहाँ पे है, वहाँ पे गार्डन है, वहाँ पे वफा पार्क में जाने का रास्ता है, और उस रास्ते के लिए मैं 2008 से झगड़ रही थी, कोर्ट कचहरी भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन इनके घर का रास्ता कहाँ से बना है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डायलिसिस सेंटर था वो भी गायब हो गया, लेकिन हमने कभी किसी पे तंज नहीं किया, हमने किसी को कुछ नहीं बोला, तो उनको क्या, और वो होते कौन है हमारे ऊपर तंज करने वाले, उनको क्या हक है हम पे तंज करने का? आज भी आवाज साहब मेरे को फ़ोन करते हैं, मेरे से बातचीत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है, ना इत्तिफाकी नहीं है, तो ये लोग कौन होते हैं जो हमको मतलब बताए? आवाज साहब बोल देना, एक बार आवाज साहब अगर बोल दे, डिक्लेयर कर दे कि अश्रीन तू मेरी पार्टी की नगर सेविका अभी नहीं है, वैसे भी तो हम नगर सेवक नहीं है, उन्होंने बोला विरोधी पक्ष नेता शानू मेरा भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम करता है, सुबह से लेकर रात तक बेचारा काम करते रहता है, अभी तुम ही बोलो, कोई एक लेटर देता है और फौरन काम हो जाता है, और बेचारा शानू आंदोलन करते रहता है लेकिन काम होते ही नहीं, क्यों ऐसा, क्या ना हमारे से तुम्हारे को नाराज़गी है, अरे किसकी वजह से हो रहा है? अच्छा सभी लोगों को रोका जा रहा है क्या कि आप लोग वहाँ मत जाओ यहाँ मत जाओ? किसने रोका? कई लोगों को नहीं, हमको तो आवाज साहब का कुछ फ़ोन नहीं आया, हमको आवाज साहब ने कहीं जाने के लिए रोका नहीं है, ये तो खाली एक हवा बनाई जा रही है बस, ना इत्तिफाकी फैलाई जा रही है। सुन में तो ये भी आया कि आप लोग दो बार नजीमुल्ला से मुलाकात करने गए? अरे हमने 100 बार किए महासभा में, देखिए इस्लामुद्दीन भाई ने, मैं आपकी बात मुलाकात नहीं सुनी, और मुलाकात करने के बाद फिर आपको वहाँ पर भी बुलाया गया कि आप लोग गट नेता है कि नहीं है, आप मुझे जवाब दो, नजीमुल्ला गट नेता है ना? गट नेता जब है तो जाहिर सी बात है पार्टी के गट नेता से मुलाकात तो होगी, और हम लोगों की भलाई के काम के लिए जा रहे हैं तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों ने मुलाकात की, मुलाकात हाँ। करने के बाद फिर जो है आप लोगों को बुलाया गया बंगले पे कि आप लोग क्यों मुलाकात किए? नहीं, ऐसा न तो आवाज साहब ने मुझे कभी मना किए कहीं जाने, बुलाया गया था नहीं, सही बात है, नहीं मुझे तो नहीं बुलाया गया, जिसको बुलाया गया वो पता नहीं, मैं तो मेरी तबीयत सही नहीं, दो बार बुलाया गया था, नहीं मुझे कभी बुला के ना मना किया, ना उनका कभी फ़ोन आया कि तुम इधर मत जाओ उधर मत जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो कैसा है ना, बजने वाले लोग बजते हैं, कल तक जो नूरानी पे खड़े रह के इनको इसराइली बोलते थे, दलाल बोलते थे, और ना जाने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे मेरे बारे में भी और उनके भी बारे में, आज टिकट के लिए इनके आगे पीछे घूम रहे हैं, क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का, तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। और व्हाट्सअप फेसबुक पे बजने की बजाय कभी अगर जेब का दो पैसा खर्चा करके इंसान काम करे ना तो इस्लामुद्दीन भाई बहुत अच्छा लगता है। अभी जिस कब्रिस्तान की बात हो रही है यही बबलू शेमना और बबलू सैयद जो है आपस में लड़ रहे थे जो वीडियो फैली थी,
आपने देखा होगा मिट्टी कहाँ से आई, हाँ क्या किया। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की ना, ना मेरे शौहर ने ऐसी कोई बात किया। रही बात उस कब्रस्तान में जब पानी की तकलीफ हो रही थी, एकॉर्ड के जावेद भाई इस चीज़ के गवाह है और हमारे मुनाफ राउत साहब जो है हमारे मस्जिद के जो ट्रस्टी है गवाह है। जब आवाज साहब का नाम ले लेके वहाँ पे बोल रहे पानी ने फला नहीं नहीं है, यही इब्राहिम राउत था जिसने वो बोरिंग अपने जाती पैसे से वहाँ पे मारी और पूरा पानी का जो सिस्टम है मोटर से लेके टाकी से हर चीज़ वहाँ पे करके दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शोहर को उसमें क्रेडिट नहीं चाहिए था, उसने अल्लाह की रजा के लिए किए। उन्होंने अभी भी मुझे मना किए थे कि ये बात मत कर, लेकिन जब कोई चीज़ दिल को लगती है तो इंसान बोलेगा। अच्छा आप ऐसा आप लोगों को पार्टी से निकाला गया है क्या ऐसा? नहीं, अगर पार्टी से निकालते तो साहब मेरे से बात नहीं करते थे, आवार साहब तो मेरे से बराबर से बात कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा मुझे इसलिए तो मैं कुछ बोली नहीं ना। देखिए ये प्रोग्राम हुआ 26 तारीख को और अभी बबलू भाई बोले अभी, और उसके बाद में इन पीरियड के बीच में कभी भी आवार साहब से मुझे ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने मुझे पार्टी से निकाला है या मेरे बारे में कुछ गलत बात की। उन्होंने जो बाइट में बोले नहीं 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 कौन इब्राहिम राउत, मतलब उनको आगे उस पर कुछ मतलब वो नहीं चर्चा करने की थी, वो नहीं चाह रहे थे कि बात बड़ा है। बोलूंगा तो बहुत बात वो तो देखो अभी एक बड़ा नेता है थोड़ा बहुत तो चलता है। ये भी बोले ना कि काम करने को नहीं होता उनको, अभी काम करने को होता है कि नहीं होता ये तो आवार साहब खुद जानते हैं कि हमने क्या किए नहीं, इस पर तो अभी मुझे जाना नहीं है। जो बात अभी है मेरे सामने बबलू वाली बात, उसको मुझे क्लियर करना था कि नगर सेवक ऐसे ही चुन के आते तो फिर ये क्यों नहीं चुन के आए। रही बात अभी साहब की भी है, तो ऐसा नहीं है साहब ने भी ये चीज़ समझना चाहिए। अभी साहब ने मईन कुमलेकर को लेकर आए तो हमने क्या समझने का कि शानू के खिलाफ लाए, क्या समझने का, ऐसा थोड़ी होता है। देखो पार्टी में हालांकि पार्टी में जो है रिलेशन अपनी जगह पे है और राजनीति अपनी जगह पे, तो हम किसी भी बात का फौरन गलत वो निकाले ये तो गलत बात है ना। और तुम देखो बबलू जैसे लोग मेरे को बोलने वाले कौन होते हैं, अगर बोलना ही है तो साहब मुझे बोले ना, ये लोग क्यों बिला वजह बीच में कूद रहे हैं। अच्छा एनसीपी से ही आप ताल्लुक रखते हैं तो जैसे हाँ, अरे आप मुझे बोलो नहीं नहीं अभी देखो इस्लामुद्दीन भाई ये बात पे भी आप मुझे बोलो कि पवार साहब क्या स्टेटमेंट देते हैं, पार्टी कहीं बटी नहीं है, पार्टी कहीं टूटी नहीं है। आज भी बोलते हैं कि मैं अजीत दादा को आज निकल अपने साथ में लाऊंगा, हो सकता है आज निकल ये सब एक हो जाए, फिर उसके बाद ये जो बजने वाले लोग हैं ये क्या करेंगे। बिला वजह मत बजो ना, हमने कहीं भी कोई ऐसा क्लिप नहीं ये की थी कि जिसमें साहब का, आपने जब भी देखा होगा चाहे वो अबू हाशिम आजमी बोले चाहे हमारे वो महापौर मैडम थे वो बोले, तो हर बार में शिंदे मैडम जो थी उसने भी साहब के ऊपर जब तंज किया था तो मैंने ही जवाब दी थी। और हमने कब बोला कि आपने काम नहीं किया है, आप बिला ठीक है एक बात, अगर हमारे कौम का जो कम्युनिटी हॉल नहीं बना उस पर अगर इब्राहिम ने बोल भी दिए तो उस पर इतना बड़ा इशू क्रिएट करने का ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी था। ये जो अभी इनके कुछ लोग जो हरकत कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। और नगर सेवक पे तुम तंज करने वाले होते कौन हो, देखो अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे जिसको चाहे जलील करे। बिला वजह इस्लामुद्दीन भाई किसी के भी बारे में बोलना, मोदी से क्या पवार साहब नहीं मिले थे, बताओ ना मुझे। अभी जो अलायंस हुआ कहीं पर तो कैसी कहूँ, अभी नहीं बोलना है मुझे आगे दूसरी सब बातें, यहाँ पे अपने को तो जो छोटे हाँ और बड़े लेवल की ना राजनीति मुझे करनी है ना बड़े लेवल की राजनीति में मुझे जाना है। जो लोकल लोग बोल रहे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं ना अपनी जबान तो ऐसा जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि उनसे मिला जाता है बड़े नेता आपस में मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आप छोटे जो नगर सेवक हैं जो शहर के नेता हैं इनको दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए मैं तो कि जो मैं बोलूँ वही करूँ, ऐसा तो मुझे तो कोई दबा नहीं रहा है ना, मैं दबने वालों में से हूँ, राजनीति से मेरा घर नहीं चलता। जो लोग और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे डर के साथ में दूसरे नगर से लुका छिपी वाला खेल होता है वैसे जाते मिलते हैं लुका छिपी। मैं जब गई तो मैं तो आवार साहब को बोल के गई कि भाई मेरे काम होना ज़रूरी है। पवार साहब से मैंने जब अजीत दादा से मैंने जब मुलाकात की तो मैंने वो भी बोली कि भाई मैंने अजीत दादा से मुलाकात की ये बातें मैंने रखी। तो ऐसा कहीं नहीं है कि मैंने उनसे कोई बात छुपाई हूँ या कुछ है। ये अभी साहब ने मेरे बारे में कहीं थोड़ी कुछ बोले, और जो तुमने सवाल किया उस पर उन्होंने कुछ जवाब दिया। और उन्होंने छे बोले, कब बोले, जब आपने बोले कि इनको नोटिस देंगे क्या, छे का मतलब क्या है? नहीं 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 हम लोग नोटिस नहीं देंगे। अगर उनको ऐसा रहता तो उसी वक्त बोलते हाँ मैं उसको नोटिस दे दूंगा, वो लोग नहीं चाहिए पार्टी में हमारे,
बोले क्या ऐसा, तो इनको क्या पड़ी इतनी, ये अपनी राजनीति देखे ना भाई। तुम नगर सेवक तो बनो पहला, नगर सेवक पे आरोप लगाने से पहला तुम देखो ना। और इब्राहिम राउत वो आदमी है कि जिसने अभी तक आवार सबसे कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, ना किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट में है, ना किसी ज़मीन का उसका झोल है, ना किसी कुछ उसका वो है मसला। वो अपना इंसान, अपना 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है, अपना सामाजिक काम जितना होता है उतना वो करते हैं, कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए करते, कुछ दिखाने के लिए करते, बस है अपने अल्लाह वाले इंसान में। तो ऐसे आदमी पे तंज करना इनको क्या मतलब, उसको इनको हासिल है इससे। तो आपने सुना कि अश्विन राउत का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बबलू सैयद ने बयान दिया था कि जो मुमरा के नगर सेवक हैं वो आवार साहब के बल पर चुनाव जीत कर आते हैं, ना कि अपने बल पर। वहीं अश्विन राउत ने पलटवार किया है कि अगर आवार साहब के बल पर चुनाव जीत के आते हैं तो उस वक्त जो है आप चुनाव कैसे हार गए, सैयद अली भाई साहब कैसे चुनाव हार गए। बहरहाल ये जो है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आवार साहब के बल पर लोग चुनाव जीत कर आते हैं तो आप लोग हार कैसे गए।